बहराइच में एक बार फिर लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो आया सामने। लेखपाल ने जमीन पट्टा के नाम पर मांगा 50,000 रूपए। पीड़ित ने लेखपाल से परेशान होकर लेखपाल को बेनकाब करने के लिए 10,000 रूपए देकर बनाया वीडियो। जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के सिटकहना जोत केशव गांव के रहने वाले आशिक अली नाम के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आशिक अली के करीबी मोच्छन नाम के व्यक्ति द्वारा बताया गया, लेखपाल वंशाराम द्वारा आशिक अली के आवासीय पट्टा के अभिलेख से छेड़छाड़ कर फर्जी अभिलेख तैयार कर दूसरे गांव के रहने वाले व्यक्ति का आवासीय पट्टे का पेपर तैयार कर दिया गया। जब इसकी जानकारी पीड़ित आशिक अली और हम लोगों को हुई तो हम लोगों द्वारा लेखपाल से मुलाकात करके न्याय की मांग की गई, जिस पर लेखपाल द्वारा 50,000 रूपए की मांग की गई और कहा गया रूपए नहीं दोगे तो आवासीय पट्टा को जमीन को भूल जाओ। उसके बाद पीड़ित आशिक अली के करीब मोच्छन नाम के व्यक्ति द्वारा बताया गया, जब लेखपाल द्वारा खुलेआम आवासीय पट्टा की जमीन के बदले 50,000 रूपए की मांग की गई तो लेखपाल वंशाराम को बेनकाब करने के लिए 10,000 रूपए देकर उसका वीडियो बना लिया गया, जिससे साबित हो सके कि लेखपाल वंशाराम रिश्वतखोरी के खातिर सिटकहना जोत केशव गांव के आवासीय पट्टा की जमीन को दूसरे गांव कमोलिया गांव के रहने वाले व्यक्ति के नाम अभिलेखों में छेड़छाड़ करके दर्ज कर दिया गया। वीडियो में लेखपाल वंशाराम को पीड़ित आशिक अली और पीड़ित के सहयोगी मच्छन लेखपाल को 10,000 देने का प्रयास कर रहे हैं। जब पीड़ित आशिक अली और पीड़ित के सहयोगी मच्छन द्वारा रुपये न होने की बात कही गई तो रिश्वतखोर लेखपाल 40,000 रूपए जल्द से जल्द पहुंचाने की बात कहकर 10,000 रूपए लेकर अपनी जेब में रख लिया। लेखपाल की रिश्वतखोरी को जिस तरह से लगातार वीडियो सामने आ रहा है, जिस तरह से जमीन पैमाइश आवासीय पट्टे के नाम पर लेखपाल रिश्वत को अपना हथियार बना चुके हैं, अब देखने वाली बात होगी इस पर अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। क्या हुआ है, आपने लेखपाल को रुपए दिया था किसी काम के लिए जिसका वीडियो सामने आया है? हम लेखपाल एक सुबराती हैं जिसके पास बंदूक 200 बीघा खेत 1999 में जबरे ने 500 रुपये लेकर बना दिया था, वो सब पट्टा निरस्त हो गया। उसी के आधार पर 2022 में उसने जो है 50,000 रुपये देकर लेखपाल से साठगांठ करके नया पट्टा जालसाज करके बनवा लिया। हम अपने क्योंकि जमीन मेरे जमीन के बगल में है, इसलिए मैं एक जिसके पास भूमिहीन था उसको लेकर लेखपाल के पास गया। उन्होंने 50,000 रुपये का मांग किया, 10,000 रुपया दे भी दिया। उसके बाद उसने गलत रिपोर्ट लगा दिया। क्या रिपोर्ट लगाया? रिपोर्ट लगाया कि उसके पट्टा के आधार पर उसका बना हुआ है, जबकि वो 2007 में ही सब निरस्त हो गया है। जब निरस्त हो गया है तो उस पट्टे को कैसे वो बना सकते हैं? वो साठ काट करके उसी पट्टा उसी के आधार पर उसने लिख दिया है। मैंने जन सूचना अधिकार के तहत मांगा था तो उसने उसी के आधार पर उसी के पट्टा दिखा करके उसको जन सूचना में उसने रिपोर्ट लगा दिया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो किसी और गाँव का रहने वाला है, उसको किसी और गाँव में पट्टा बनाया? वो कमोलिया गाँव का रहने वाला है और जमीन सिटकहना जोत केशव में है। ये पात्र हैं आशिक अली, इनके लिए मैंने कहा था, प्रधान भी सहमत हैं इनके ऊपर, लेकिन लेखपाल बहुत बड़ा घूसखोर है, उससे 50,000 रुपया ले लिया, इनसे 10,000 ले लिया, 50,000 वाले का काम कर दिया, इनको पैसा भी नहीं दे रहा है और काम भी नहीं कर रहा है। तो वीडियो रुपए लेते हुए लेखपाल के सामने आया है, वही रुपए लेते? हाँ, वही रुपया मैंने अपने हाथ से इनसे लेकर के आशिक अली से उनके हाथ में दिया था। तो अब क्या कह रहा है वो? अब वो बेईमानी पर उतारा है, कहा जो चाहे कर लो, हमारी बड़ी ऊपर तक पहुंच है और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हर भगा दिया उसने। कितना रुपये मांग किया था आशिक अली से? 50,000 रुपया मांगा था, तो ये गरीब आदमी किसी से लेकर के 10,000 लेकर गए थे, 10,000 दे दिया गया था और कहा गया था कि पट्टा बना दिए, जो कुछ होगा और कुछ दे देंगे। उसने कहा कि वहाँ अधिकारी को देना पड़ता है सबको, तब बनता है। मतलब अधिकारियों के नाम पर पैसा लिया है? हाँ, अधिकारियों के नाम पर पैसा। उन्होंने कहा कि वहाँ देना पड़ेगा, तहसीलदार को देना पड़ेगा, SDM साहब को देना पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि न्याय हो, जिसके अगर उसका पट्टा निरस्त है तो आशिक अली को पट्टा मिलना चाहिए।